हेलो दोस्त, आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये रेसिपी आधे घंटे में तैयार हो जाती है। बहुत टेस्टी और बहुत लजीज लगती है। इसके लिए सामग्री में एक प्याज, 1 कप दूध, आधा कप दही, 1 कप मैदा, 1 टमाटर और थोड़ा सा चीनी, थोड़ा नमक, और इसमें ले लेंगे लहसुन अदरक। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आटा तैयार करेंगे। आटा, 1 कप मैदा, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक, और इसको ऐड करके मिक्स करेंगे पूरी तरह से। फिर इसके बाद 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, उसके बाद दही ऐड करेंगे, फिर इसके बाद अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। सॉरी, एक चीज़ ऐड करना भूल गया था, वो अभी ऐड कर लेंगे। पहले ही ऐड करना था बेकिंग पाउडर और सोडा, और ऐड करके मिक्स कर देंगे पूरी तरह से। फिर इसके बाद इस तरीके से अपना आटा तैयार कर लेंगे। इसके बाद ढक कर इसको रेस्ट करने देंगे 20 मिनट तक। इसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। जैसे थोड़ा सा तेल और लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, जो भी सब्जी हमने काटे थे उसको ऐड करके उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको ढक देंगे। ढक के 5 मिनट बाद आपको ऐसा दिखेगा। इसको हम ग्राइंड वाले बर्तन में, जो मिक्सर वाला बर्तन है, उसमें हम इस तरीके से चटनी बना लेंगे। चलिए अब वाइट वाला चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए 1 चम्मच घी, 2 चम्मच मैदा और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे मीडियम हीट पे। इसके बाद फिर दूध ऐड कर देंगे 1 कप। 1 कप दूध ऐड करने के बाद हम इसको इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक। ऐड करने के बाद इस तरीके से तैयार हो जाएगा चटनी। जिस सब्जी का सेक तैयार किए थे उसको अब चटनी बनाएंगे। तेल कढ़ाई में गरम करेंगे और जितना सेक था उसको डालेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च और चीनी, नमक सब ऐड करने के बाद आपका चटनी तैयार हो जाएगा। अब पिज्ज़ा का आटा लेंगे और अपना तैयार करेंगे पिज्ज़ा। इसके लिए थोड़ा सा मैदा लगाकर और इस बेलन से इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे। उसके बाद तावे पर हल्का सा तेल रख के इसको भी अच्छी तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसको इस पर रख देंगे पिज्जा को, और इसके बाद थोड़ा सा चाकू के सहारे से इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद जो सेक है सब्जी वाला, जो चटनी, उसको फैलाएंगे। वो फैलाने के बाद फिर जो वाइट वाला चटनी है उसको फैलाएंगे। इस तरह पूरी तरह से फैलाने के बाद फिर हम छोटा छोटा टमाटर, प्याज इस पर ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से ऐड करने के बाद फिर उस पर से हल्का वाइट वाला सेक चारों तरफ फैला देंगे। फैलाने के बाद इसको हम बर्तन से अच्छी तरीके से ढक देंगे। इस तरीके इसको लो आंच में। हमारा पिज्ज़ा तैयार है।